नमस्कार दोस्तों, मृडुक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले, छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों से कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता चयन सूची के आधार पर सीधा भर्ती किया जाएगा। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप लोगों को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहां पढ़ सकते हो विज्ञापन जारी किए गए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा मेरिट सूची के आधार पर। जो भी इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, काल्य प्रचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लबरा खुर्द महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 मई 2022 शाम 5 बजे से पहले आवेदन पत्र भेज सकते हैं। दिए गए तिथि के बाद अगर आप लोग आवेदन करते हो तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहां पर कौन कौन से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती किया जाएगा आप लोग यहां पर देख सकते हो। टोटल जिले के 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती किया जाना है। विद्युत कार के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, आईसीटी एसएम के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, मैकेनिक डीजल के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, कोपा के टोटल 3 पद पर भर्ती किया जाना है, वेल्डर के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, ड्राइवर कम मैकेनिक के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के टोटल 5 पद पर भर्ती किया जाएगा, भाषा अंग्रेजी के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों आप लोग यहां वर्गवार देख सकते हो कौन कौन से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कितने कितने पदों पर भर्ती किया जाएगा, यहां पर डिटेल से बताया गया है। इसी के नीचे शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, क्या मांगा गया है इन विभिन्न पदों के लिए आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हो। विद्युत कार्य के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आईसीटी एसएम के लिए शैक्षणिक योग्यता सेम है, आप लोग यहां पर देख सकते हो 10वीं पास मांगा गया है, या फिर अगर आप लोग पुरानी पद्धति से 11वीं पास हो तो भी आप लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसी प्रकार मैकेनिक डीजल के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं पास या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय में योग्यता रखता हो। कोपा के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं पास या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय में योग्यता रखता हो। लगभग दोस्तों सभी पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 10वीं पास या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय का ज्ञान यहाँ मांगा गया है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आवेदन करते समय आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और दोस्तों आप लोग यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हो। और भी यहां पर अन्य जानकारी दिया गया है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में दोस्तों और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहां देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का यहां लिंक दिया गया है, यहां पर जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग यहां पॉइंट नंबर 12 पढ़ सकते हो, जो आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को कितना प्रतिमा वेतन दिया जाएगा यहां पर डिटेल से बताया गया है। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देश अनुसार प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे 100 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय के प्रावधान है और प्रति माह आप लोगों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसी विज्ञापन के नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करें। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।